वेल अगर आप भी कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो इंस्टॉल करें हमारी जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें, ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करें, देन प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ बैच को प्लेस करें जेके एसएसबी 2। जेके एसएसबी सारा एक साथ है और सारा स्मॉल लेटर में होगा। बैच कोड एंटर करने के बाद ओके कर दें और आप हमारे बैच में ऐड हो जाओगे। इस बैच में आपको लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, डाउट क्लियरेंस जैसी सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम 27 जनवरी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर का लेक्चर। और लेक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। ओके सो इंडिया का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में कौन सा रैंक है? तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया टॉप 10 में आगे गया इसमें, और इंडिया का जो रैंक है वो है 7th। ओके तो आप फिर देख लो किस चीज़ में है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में। ओके सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेम द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव 2 एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप्स। तो कौन सी ऐसी इंडिया की पहली स्टेट है जिसके पास 2 एयर स्ट्रिप्स हैं? ओके सो इसका जो आंसर है दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके और ये अराउंड कोई 3300 किलोमीटर होगा एंड इट इज नियर पूर्वांचल एक्सप्रेस। ओके ओके सो वेल इन दिस क्वेश्चन दे आस्क कि इंडिया जो है 2021 में अपना कौन सा एडिशन मना रहा है, मतलब कौन सा रिपब्लिक डे का एडिशन जो है वो मना रहे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज 72। ओके तो ये 72 को मतलब 72वां एडिशन जो है रिपब्लिक डे का वो मनाया गया है इस बार 2021 में। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेशनल कस्टम डे कब, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ओके तो इसका जो आंसर है दैट इज 26 जनवरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच स्टेट लॉन्च द स्कीम पंख अभियान फॉर गर्ल एम्पावरमेंट। तो गर्ल एम्पावरमेंट के लिए कौन सी स्टेट ने पंख अभियान स्कीम जो है वो लॉन्च की है? तो इसका आंसर है आपका सी, मध्य प्रदेश। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट recipient of foreign direct investment in 2021 as per the report of UNCTAD। अब UNCTAD की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसकी UNCTAD की। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा फॉरेन जो मनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो रिसीव की है? ओके तो इसका जो आंसर है दैट इज़ चाइना। चाइना ने इस बार 164 बिलियन डॉलर की जो FDI है वो रिसीव की है। और मतलब अब पहले जो USA थी टॉप पे, बट इस साल उन्होंने उसको पीछे करके वो फर्स्ट नंबर पे आई है। और जो टोटल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने रिसीव किया है वो है 134 बिलियन। और वहीं USA की अगर हम बात करें तो USA में है 134 बिलियन इस साल। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि सैटेलाइट राइड शेयर मिशन ट्रांसपोर्ट 1 launched by which organization recently to launch report breaking 143 satellite into space and a single mission। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेसिकली हमने कल भी डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने रिकॉर्ड तोड़ा था। तो यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, मैंने कल भी बताया था, इसका आंसर है स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। education day across the globe. समझ गए? It is there is not they are not talking about just India, but यहाँ पे बात हो रही है भैया across global की. तो कब मनाया जाता है आपका education day? तो इसका जो आंसर है वो है 26 जनवरी. ओके, सो गाइज ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के. सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको ये बता दूं कि इन क्वेश्चन के नंबर डेली बेसिस पे ये तीन चार पाँच छः मिनट की जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मे भी कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिलीव मी ये 4-5 मिनट की वीडियो जिसमें 6-7 क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, अगर आप एट द एंड महीने के एंड में देखोगे तो 200+ क्वेश्चन जो है वो बन जाता है. तो आई थिंक अगर आप मेरे साथ चल रहे हो कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन टुमारो विद नेक्स्ट न्यू करंट अफेयर MCQs. ओके, बाय, टेक केयर.